जय हिंद, वेलकम टू द लास्ट पेपर। राजभाषा के टॉपिक राज्यपाल के विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पे पहले हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके बाद लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले पिछले सेशन में डिस्कस किए गए टॉपिक का रिवीजन करते हैं, इसके बाद आज के टॉपिक को समझते हैं और लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पिछले सेशन के टॉपिक हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या? प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। किससे? मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के अकॉर्डिंग, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के तथा राज्यपाल के परामर्श के अनुसार होती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श के अनुसार होती है। भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हैं। 21 में 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। मतलब ये है कि 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, टोटल 21 हैं, 21 न्यायालयों में से 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका कार्यकाल एक राज्य से अधिक राज्यों तक है। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, मतलब एक से अधिक राज्यों में। इस तरह के 6 उच्च न्यायालय हैं, ठीक। बाकी 15 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका एक ही प्रदेश में कार्य क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक। देखिए, जिस स्टेट का जहाँ पर हाई कोर्ट होता है, जिस शहर में हाई कोर्ट होता है, उस शहर को उस प्रदेश का न्यायिक राजधानी या जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में है। इलाहाबाद को आज की डेट में प्रयागराज कहते हैं। ये तो बात हो गई संख्या की, किसकी? न्यायालयों की संख्या की। अब बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यताओं की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं, मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार हैं, क्या? कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहा हो। ये तो होगी न्यायाधीश की योग्यताओं की बात। अब वेतन भत्ते की बात करें, तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपए होता है, मतलब 2,80,000। यही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन होता है, 2,80,000 रुपए। कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। कितना होता है? 62 वर्ष होता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष मतलब ये होता है कि उसकी उम्र के 62 वर्ष या 65 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर 60 वर्ष में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है, तो उसे 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेना होगा। यदि वो 59 में बनता है, तो भी 62 वर्ष की, ठीक। मतलब उसकी नियुक्ति बाद उसकी उम्र जब 62 वर्ष की हो जाएगी, अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो रिटायरमेंट लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में उसकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो जाएगी, तो उसको रिटायरमेंट लेना होता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विषय में। तो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीली अधिकार क्षेत्र, लेख जारी करने का अधिकार, वही प्रतीक्षा लेख, हाँ, अधिकार प्रतीक्षा लेख, ये सभी लेख जो 5 टाइप के लेख होते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ये सभी लेख जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल की, क्योंकि आज का टॉपिक है राज्यपाल, तो राज्यपाल को हम लोग समझेंगे। राज्यपाल के पद का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक दिया गया है। क्या? राज्यपाल के पद का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक दिया गया है। देखिए, राज्यपाल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा केंद्र और राज्य में कोरिलेट कर लेते हैं, ताकि चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो और क्लियर हो जाएं। क्या? देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। क्या? संसद के 3 अंग होते हैं। क्या? राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में दिया गया है, लोकसभा के विषय में अनुच्छेद 81 में दिया गया है, और संसद के अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में संसद के विषय में दिया गया, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के विषय में दिया गया, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के विषय में दिया, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के विषय में दिया। मतलब संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसी प्रकार विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं, कौन कौन से? पहला तो होता है राज्यपाल, राज्यपाल के बाद होता है विधानसभा, ठीक, विधानसभा के बाद होता है विधान परिषद, ठीक, विधान परिषद, समझ जाइएगा क्या? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए विधानमंडल के विषय में अनुच्छेद 168 में दिया गया है, ठीक, राज्यपाल के विषय में या राज्यपाल का पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है, विधानसभा का 170 में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के विषय में दिया गया, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के विषय में दिया। तो विधानमंडल के तीन अंग होते हैं क्या? विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल को अनुच्छेद 168 में डिस्कस किया गया है, राज्यपाल के पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है, विधानसभा के पद का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद के पद का प्रावधान अनुच्छेद 171 में है। अब विधानमंडल के तीन अंग में से हम एक अंग को पढ़ने जा रहे हैं, किसको? राज्यपाल को। इसको राज्यपाल को, राज्यपाल के विषय में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है, क्योंकि जो शक्ति अधिकतम शक्ति होती है वो इन्हें में निहित होती है। अब राज्यपाल की योग्यताओं की बात करें तो राज्यपाल की योग्यताएं राष्ट्रपति के समान होती हैं, क्या? वह भारत का नागरिक हो, ठीक, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक, विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, जिस तरह से राष्ट्रपति भी लोकसभा या राज्यसभा में योग्यता रखता हो, या लोकसभा में योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य होना चाहिए, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो या सदस्य होना चाहिए, और राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या योग्यता में क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानसभा का सदस्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक, ये तो बात हो गई योग्यता। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक। नेक्स्ट, शपथ, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 156 में दिया गया है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या पाँच वर्ष होता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो देखिए वह राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता और लोकसभा आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल व्यवस्थापिका में अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन आहूत करता है, बुलाना मतलब आहूत करना, और स्थगित करता है, ठीक। ये तो हमने जाना राज्यपाल के विषय में, ठीक। राज्यपाल को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इतना हमने राज्यपाल के विषय में जान लिया है। अब चलिए राज्यपाल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या, कि अनुच्छेद 153 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 153 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 155 ने राष्ट्रपति की नियुक्ति के विषय में दिया, अनुच्छेद 157 ने राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में दिया, अनुच्छेद 159 में राष्ट्रपति की शपथ के विषय में दिया गया। चलिए आज शुरू करते हैं, बलानर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या किसी राज्य में, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार की केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित निधि से आता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख स्रोत होता है, तो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कार्य करता है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है, तो राज्यपाल बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 65 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है, तो एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अगर जाना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बने रहिए। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा, तो सरोजिनी नायडू ने कहा। किसकी अनुमति के बिना राज्य में की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता, तो राज्यपाल की। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं होता, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य सरकार कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी, मतलब इनके भी समन्वय बिठाए रखना है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल का शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, जिस तरह से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, किसी को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू ऐसी प्रथम महिला थी जो किसी राज्य में पहली बार राज्यपाल बनी। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत का पद बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया, तो 1965 में जम्मू कश्मीर राज्य के सदर ए रियासत नामक पद को बदलकर राज्यपाल का पद का दे दिया गया। नेक्स्ट, राज्य सरकार भंग कौन कर सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बने रहिए।